हम लोग तो वीआईपी को वोट देंगे। जो हम तो वीआईपी के हैं, हम वोट देंगे तो बीजेपी के देंगे। क्यों देंगे? इसलिए देंगे कि मोदी जी का डबल राशन खा रहे हैं। इस सन ऑफ मलाह को ये ऊपर भीड़ है, 45-50 आदमी बुझ रहा है कि यहाँ पर सबको 0 पॉइंट पर जाना है, इसलिए सब उतरा हुआ है, पैसा बांट रहा है। चुनाव में तो लग रहा है हमको जो बेबी कुमारी 0 पॉइंट पर आउट होंगे। सभी पूरे समाज मतलब चाहे मुकेश सनी। बोचहा विधानसभा उपचुनाव के प्रचार प्रसार का अंतिम दौर चल रहा है। लगातार बड़े नेताओं की रैलियां हो रही है, जनसंपर्क अभियान हो रही है। दोनों ओर से NDA हो, UPA हो, राजद हो, VIP हो, तमाम बड़े नेता क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाने कैंप कर गए हैं। ऐसे में हम बोचहा चौक पर हैं और जानते हैं कि बोचहा विधानसभा क्षेत्र के जनता का क्या मिजाज है, क्या चल रहा है। हाँ, वो तो बोले, इसको पहले भी बोले हैं कि हाँ, ये यहाँ मारे तीन माहौल है, तीनों में वोट है। अब इसका भी रिजल्ट कोई नहीं निकाल सकता है कि यहाँ कौन जीतेगा। और जहाँ तक की है, जिसको जहाँ दिल में आएगा वोट देगा। त्रिकोणीय मुकाबला है। सबका वोट है। आप बताइए, काफ़ी देर से चर्चा चल रही है राजनीति, क्या लग रहा है, क्या होगा? हम तो कई बार बोल दिए, फिर से बताइए। जो हम तो VIP के हैं। अजय निषाद नहीं, अच्छा अन्य लोग भी हैं। आप बताइए क्या माहौल चल रहा है? माहौल बीजेपी का एकदम चकाचक है। बीजेपी की जीत है, हम बीजेपी के कैंडिडेट भी हैं। हम वोट देंगे तो बीजेपी के देंगे। क्यों देंगे? इसलिए देंगे कि मोदी जी का डबल राशन खा रहे हैं। कोई नहीं, इतना प्रधानमंत्री हुआ लेकिन कोई नहीं दिया। लाभार्थी का जो गरीब का जो अथी है, लाभार्थी का लाभ मोदी जी दे रहे हैं। बच्चा से लेकर युवा तक का लाभार्थी का योजना दे रहे हैं। इसलिए हम सही निश्चय किए हैं। मुकेश सहनी VIP वाले तो बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं, लेकिन वो सब हम लोग के साथ में ना आज तक कभी देखे हैं और ना कभी भविष्य में देखेंगे वो लोग। आप बताइए। हम तो ये बताएंगे, 40 साल से ये कांग्रेस रहे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अब मोदी जी इतना दिन में क्या क्या कर दिया है, ये जनता यहाँ की समझ नहीं रही। मोदी जी, आप बताइए। आप बहुत देर से सुन रहे सब लोग, क्या माहौल है? माहौल ठीक है। क्या हो रहा है? हो रहा है, इलेक्शन का टाइम है अभी, जो चल रहा है वो मैं सही बताया अंकल जी, तीन लोग ही है ये मुकाबला है। आप बताइए, क्या माहौल है? सब ठीक है जी। चाचा जी लोग सब कहे हैं वह होगा जी। जी सबका वोट है जी। अन्य लोग भी हैं, कई सारे लोग हैं। आप बताइए, क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में तो लग रहा है हमको जो बेबी कुमारी 0 पॉइंट पर आउट होंगे। ना, ये ले BJP। हम पूछते हैं, यहाँ मध्यावर्ती चुनाव अभी 16 महीना के बाद ही मुसाफिर पासवान जी का निधन हो गया। यह चुनाव तो यहाँ पर 30-30 विधायक, पंडा मंत्री, इस सन ऑफ मलाह को ये ऊपर भीड़ा है, 45-50 आदमी बुझ रहा है कि यहाँ पर सबको 0 पॉइंट पर जाना है, इसलिए सब उतरा हुआ है, पैसा बांट रहा है। आएगा ये आपको रमई राम की सुपुत्री आएगी, डॉक्टर गीता कुमारी। आप बताइए क्या मदद है? यहाँ तो मुकेश सहनी के एक एक पल में वोट है, जितना दे गरीब जनता जो है, भाई बंधु सभी पूरे समाज मतलब चाहे देने तो मुकेश सहनी। अभी आपके सामने भी कुछ BJP बोल रहे हैं ना? साफ ने BJP को वोट नहीं। कुछ अन्य लोग भी हैं, क्या माहौल लग रहा है? हम लोग तो VIP को वोट देंगे। आप देख सकते हैं बोचहा चौक पर हम हैं और चाय की दुकान है और प्रचार प्रसार का आज अंतिम दौर चल रहा है। अब कल शाम से प्रचार प्रसार बंद हो जाएगी। नेताओं का लगातार चुनावी रैलियां हो रही है, क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चल रहा है और जनता का मिजाज एकतरफा नहीं है। अब जो है त्रिकोणीय मुकाबला के आसार बोचहा विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में दिख रहे हैं। VIP, RJD और BJP में लड़ाई है और त्रिकोणीय मुकाबला है, चुनाव प्रचार प्रसार के अंतिम दौर में है और लोगों के चौक चौराहे पर भी अब चुनावी चर्चा होने लगी है। लोग
अपना अपना मन बताने लगे हैं, लेकिन ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला का असर कहीं ना कहीं बोचहा विधानसभा क्षेत्र में दिख रहा है। जो लोगों से हमने बात की और लोगों का जिस तरीके का कहना है, कोई VIP है, कोई RJD है, कोई BJP है, किसी एक दल की ओर एक तरफा रुझान नहीं दिख रहा है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।